आज की शाम पता नहीं, आई जस्ट होप कि यू नो जो भी मेरी अचीवमेंट्स है अभी, कार्टेल हो गया या बिग बॉस हो गया, उससे रिलेटेड कुछ मिले तो मुझे मज़ा आएगा. द रिस्पॉन्स इज अमेजिंग. जहाँ तक मुझे घर के अंदर बैठ के कुछ और ही दुनिया लग रही थी, बाहर आके दुनिया ही बदल गई है. एंड थैंकफुल टू ऑल द मीडिया गाइज, बहुत मेरी आवाज़ को एम्पलीफाई किया आप लोगों ने, सो आई एम वेरी हैप्पी. एंड जो मुझे मैसेज पहुंचाना था मेरी जर्नी के थ्रू, मैंने पहुंचा दिया. ऑब्वियसली आप लोगों ने कार्टेल देखा होगा, सो कार्टेल का ही सीजन 2 इज इन द पाइपलाइन एंड उसकी तैयारी जल्दी शुरू होगी. एंड ऑब्वियसली द बिग बॉस फेम इज नॉट लेटिंग एनीथिंग गो ऑर्गनाइज, क्योंकि कुछ भी करूँगी अभी, ऑब्वियसली बिकॉज द फैंडम इज सो क्रेजी. तो अभी बिग बॉस पे ही ध्यान है और मैं विनिंग थोड़ा सा एंजॉय करना चाहती हूँ, अपने फैंस के साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहती हूँ, मुझे उन्होंने बहुत हेल्प की है. सो आई एम एक्चुअली टेकिंग अ ब्रेक फॉर दैट. ऐसा कुछ होगा तो बहुत मज़ा आएगा. इवन आई एम गोना एंजॉय इट बिकॉज अभी वो क्या है ना, इस साल फ्लो में हूँ गेम के, तो आई थिंक इट्स गोना बी नाइस. आई रियली डोंट थिंक सो. जो भी होता है इट वॉज द पार्ट ऑफ द शो. एंड मेरे लिए वहाँ पे जेन्युइनली मेरा ध्यान सिर्फ मुझ पे था. आई नो एंड मेरा ध्यान इस वक्त सिर्फ मुझ पर था. एंड नहीं इतना मैं स्ट्रेस नहीं लेती आउटसाइडर इनसाइडर का, वो मेरे लिए कभी भी एक प्रॉब्लम नहीं है. बट या ऑब्वियसली आई फेल्ट कि ऐसा लग रहा था कि सब कुछ मेरे पे टारगेट हो रहा है, बट देन मेरा सिर्फ इसी पे ध्यान था कि मैं इस चीज़ पे कैसे निकलूँ. आसपास कुछ भी हो रहा हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था. भाई मैं वो वरुण का फोर्टे वो है, बिग बॉस शायद मेरा फोर्टे है. मैं खतरों के खिलाड़ी तो बिल्कुल नहीं होगा, इंसानों को झेल सकती हूँ. नहीं आई थिंक मैंने अपना पक्ष हर जगह बहुत अच्छे से रखा है, मौका दिया हो या ना दिया हो. So I'm very happy with my entire journey, honestly. अभी हो चुका है जर्नी तो आई डोंट वांट टू टॉक. मैं उनके लिए पूरा का पूरा गिफ्ट घर पे आ गई ट्रॉफी लेके, और क्या चाहिए. आई थिंक निशांत, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी निशांत बिकॉज हम सब ने निशांत का गेम खेला. ही वॉज देयर विद मी इन टॉप 2 और उतना ही लेवल पे मुझे लग रहा था कि ये भी लेके जाएगा ट्रॉफी. आई नो दैट. तो उसका गेम बहुत अच्छा था एंड आई एम एक्साइटेड व्हाट मोर ही हैज़ टू ऑफर. हाँ मतलब अब कोई कंपटीशन नहीं है तो इट्स गुड फॉर माय ब्रदर, ही इज़ गोइंग टू किल इट. दैट वाज एक्चुअली माय नेचुरल इंस्टिंक्ट. जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं पे दब रही हूँ या रुक रही हूँ, वो मैं और फट के निकलती हूँ बाहर. तो मुझे सिर्फ इसी बात का डर लग रहा था कि आई डोंट कम अक्रॉस एज समबडी हु इज़ वेरी अग्रेसिव, बट दैट इज़ माई नेचुरल इंस्टिंक्ट. अगर मुझे लगता है कि मैं टारगेट हो रही हूँ तो मैं ऐसे ही फटती हूँ. तो आई थिंक इट वॉज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ विच वॉज हैपनिंग देयर. बस वो थोड़ा एम्पलीफाइड था बिकॉज वी वर इन अ कन्फाइंड स्पेस. जी बिल्कुल. कार्टेल एक्चुअली 12 साल के स्ट्रगल में एक्चुअली ऐसा पहला प्रोजेक्ट है जिस पे मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत मेहनत की और मैंने अपना 100% दिया है. द स्टोरी एक एक्टर को सबसे ज़्यादा वो एक ऐसी स्क्रिप्ट की तलाश होती है जहाँ वो अपना टैलेंट एक्सप्लोर कर सके. एंड आई थिंक कार्टेल हैज़ गिवन मी दैट प्लेटफॉर्म एंड इट वॉज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग. एंड जितने भी कैरेक्टर्स थे मैंने एक एक महीना हर कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया इन माई रियल लाइफ एंड दैट्स हाउ आई हैव कम आउट ऑन कार्टेल. भाई इंडिया का ब्रांड है, अपना ब्रांड है, फेमस तो होना ही है. इंडियंस आर गोना सपोर्ट आई एम श्योर. एंड देयर वर 136 टैलेंटेड एक्टर्स. देयर वॉज नो रीज़न कि ये किसी भी वेब सीरीज से ज़्यादा या कम चले. इट इज़ गिविंग जस्टिस टू एवरी थिंग. एंड जितने भी एक्टर्स ने परफॉर्म किया है कार्टेल में, आई थिंक दे हैव गिवन देयर बेस्ट शॉट. एंड दिस इज़ आई गेस एकता कपूर्स फेवरेट प्रोजेक्ट आई कुड से बिकॉज शी इज पुट इन अ लॉट. आई थिंक आई लव्ड ऑल ऑफ देम बिकॉज सबके कैरेक्टर्स की ही अपनी अलग एक स्टोरी थी और उन्होंने अपने कैरेक्टर के हिसाब से जो ट्विस्ट एंड टर्न्स लाए हैं गेम में, इट इज़ आई मीन इन द शो इट वॉज अमेजिंग. एंड मेरे लिए अगर मैं अपने 6 किरदारों में से पूछूँ तो आई थिंक आई रियली लाइक द ओल्ड मैन लुक. उसको 8 घंटे लगे थे बट इट वॉज वेरी नाइस. या फॉर मी एवरीथिंग इज नॉर्मल आफ्टर विनिंग एंड आई एम लाइक अभी जो भी था वो घर पे था. एज आई सेड घर में भी कि मुझे ऐसे कोई अभी बाहर जाके पूछेगा नहीं ना इसमें से बेस्ट कपल कौन सा है, इसमें से बेस्ट कनेक्शन कौन सा है, वो कोई नहीं पूछ रहा था. आई एम वेरी हैप्पी, आई एम इन अ कॉर्डियल रिलेशनशिप विद एवरीबॉडी. थैंक यू सो मच.